हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग देख रहे हैं क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर वन अवर नेशनल फ्रूट मैंगो। हम लोग अभी वर्कबुक में से क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे, जो स्टोरी सम्स आप लोगों को दिए हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट सम के साथ। नेक्स्ट है, स्नेहा काउंटेड द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग बाय अ रोड। रोड पर से जो व्हीकल्स जा रहे हैं वो स्नेहा काउंट कर रही है। तो वो क्या है, 2000 पास्ड बाय व्हीकल्स पास्ड बाय इन 2 आवर्स। 2000 व्हीकल्स पास हुए 2 घंटे में। वन हाफ का मतलब होता है वन ऊपर की और नीचे टू, मतलब 1/2। ये याद रखना है, वन हाफ का मतलब होता है 1 ऊपर की और 2 नीचे की ओर। ये 1 जो है वो डिवीजन में है 2 के साथ। ओके, सो वन हाफ ऑफ द व्हीकल्स वर कार्स। तो उसमें से कार्स कितनी है, 1/2 है। और नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने पास हुए 2 घंटे में, 2000। तो हमें करना क्या है, फाइंड आउट करने हैं कि कार्स कितने हैं। तो पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। 1/4, क्वार्टर मतलब 1/4, 1/4। 1/2 मतलब 1/2, ये अपॉन मतलब डिवीजन में है, 1/2। ऐसे आप लोगों को आता था ना पहले, लेकिन ये अभी उल्टा हो गया है। छोटा नंबर अंदर की ओर आएगा, 1 अंदर की ओर, 2 बाहर की ओर, ठीक है। तो ये डिवीजन में है, तो 1/2 भी ये सेम चीज़ है। हम लोग ऐसे वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1/4 का मतलब होता है 1/4 एंड 1/2 का मतलब होता है 1/2। सो 1/4 ऑफ देम वर ऑटो रिक्शोज, मतलब नंबर ऑफ ऑटो रिक्शोज वर 1/4। सो एंड द रिमेनिंग वर ट्रक्स, और जो बच गए हैं वो ट्रक है। वो क्या है, ट्रक। सो फाइंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स, फाइंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल ऑफ ईच टाइप, मतलब हर एक टाइप का कितना व्हीकल पास हुआ 2 घंटे में, वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में है कि 1/2 कार्स है 1/2, ऑटो रिक्शो 1/4, और ट्रक का कोई नंबर दिया हुआ नहीं है। वो बताया है कि रिमेनिंग का मतलब होता है बच गया वो। तो पहले ये ढूंढते हैं, 1/2 इनटू 2000, मतलब 2000 ऊपर की ओर है और नीचे की ओर कुछ भी नहीं है। तो 2 को हमें डिवीजन करना है 2000 के साथ। तो 2000 डिवाइड बाय 2, मतलब ये है कि 1 को मल्टीप्लाई करो 2000 के साथ और नीचे 2 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ। तो 2 1 2, तो हम ये वाले को सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, 2000/2, पर ये इजी होता है आप लोगों को समझने के लिए। सो 1/2 इन टू 2000, मतलब 2000 ऊपर की ओर, तो मतलब 2000 डिवीजन में है 2 के साथ। तो मतलब ये है कि 2000/2 मतलब डिवाइड बाय 2, अपॉन का मतलब डिवाइड, 2 1 2, 0 ऊपर के, जो पीछे के जितने भी 0 है वो एक एक करके ऊपर की ओर रख देने हैं, फिर यहाँ पे 0 0 0, आगे डिवीजन करना नहीं है। तो इस तरह से हमें आंसर मिला 1000। तो 1000 क्या आया, कार्स। नेक्स्ट इज
नंबर ऑफ ऑटो रिक्शास इज इक्वल टू 1/4। ये क्वेश्चन में था कि वन क्वार्टर मतलब 1/4। तो 2000 में से 1/4 जो है वो रिक्शास है। तो ये जैसे मैंने समझाया वैसे ही सेम 2000 ऊपर की ओर है, 1 नीचे की ओर। तो 2000/4 मतलब 2000 को डिवाइड करना है 4 से। तो जैसे मैंने यहाँ पे समझाया सेम वैसे ही 2000 अंदर की ओर और 4 बाहर की ओर। यहाँ पे 4 को 2 से एक नंबर लेके डिवाइड नहीं कर सकते, तो दो नंबर लेने हैं। तो 4 5 20 0 0, ये जो 0 बच गए उसे सीधा ऊपर लिख देने हैं और नीचे की ओर भी 0 0 कर सकते हैं। तो ये आया हमारा आंसर 500। तो ऑटो रिक्शास कितने आए हमारे 500 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी ढूंढना है लास्ट रिमेनिंग ट्रक्स। तो नंबर ऑफ ट्रक्स इज इक्वल टू, हमारे पास कार आ गई, हमारे पास रिक्शो आ गई, रिक्शो 500 आ गई। तो हमें ट्रक कैसे फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ कार्स एंड टोटल नंबर ऑफ रिक्शो को प्लस करना है। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेप लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ट्रक्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स है 2000। यहाँ पे क्वेश्चन में था कि 2000 जो है वो टोटल नंबर है। तो टोटल नंबर में से हमें माइनस करना है रिक्शो और कार को। तो रिक्शो है 500 और कार से 1000। तो इन दोनों को एडिशन कर लेंगे पहले, तो वो हो गया 1500। या तो सीधा ही आप लोग 2000 को माइनस कर सकते हो, 2000 माइनस 1000 माइनस 500। ये था हमारा 1000 और इसका रिक्शो का आया था 500। तो सीधा 500 1000 500, तो आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे 1500 सिर्फ। ये 10 और यहाँ पे 1, तो 1 में से 1 जाए तो 0 और 10 में से 5 जाए तो 5, ये आपको आता है। सो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स में माइनस करने हैं नंबर ऑफ कार्स माइनस नंबर ऑफ रिक्शो। तो टोटल 2000 माइनस 1000 एंड माइनस 500। तो आंसर आया 500। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स 500। नेक्स्ट, 150 व्हीकल्स पास्ड बाय विलेज इन 2 आवर्स। पहले था 2000, अभी हमारे पास है 150। आउट ऑफ दिस 1/3 ऑफ व्हीकल्स वर स्कूटर, मतलब जितने भी है उसमें से 1/3 मतलब 1/3 वो स्कूटर है। तो नंबर ऑफ स्कूटर्स इज इक्वल टू 1/3। 1/5 ऑफ देम वर बुलक कार्ड। तो 1/5 बुलक कार्ड है, कितने में से 150 में से। तो दोनों ही बार 150 150, 1/3 150 में से स्कूटर, 1/5 150 में से बुलक कार्ड। तो हमें फाइंड आउट करने हैं कि ट्रैक्टर्स कितने हैं, सो दैट इज द क्वेश्चन। एंड द रिमेनिंग वर ट्रैक्टर्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफ ईच टाइप। हर एक टाइप का हमें व्हीकल फाइंड आउट करना है। तो सेम चीज़ करनी है जैसे मैंने इस वाले सम में समझाया था, वैसे ही यहाँ पे करना है। तो 3 को हमें सीधा डिवाइड करना है 150 के साथ। सो 150 डिवाइड बाय 3, 3 5 15 0 0। एक नंबर ये बड़ा है तो ये एक नंबर लेके नहीं डिवाइड होगा, तो दो नंबर लेने।
तो 3 5 15, तो आंसर आया हमारा 5, और ये पीछे की और जो बचा वो 0 ऊपर की ओर, तो आंसर इज़ 50। तो 50 स्कूटर्स आ गए। बुलक कार्ट 1/5 इंटू 150, तो 150 डिवाइड बाय 5, सो 150 डिवाइड बाय 5, सो 5 3 15, 0 0, ये 0 बच गया वो ऊपर की ओर, सो आंसर आया 30। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल नंबर 150 है, उसमें से माइनस करने हैं स्कूटर और बुलक कार्ट को। तो करते हैं 150 माइनस 50 माइनस 30, तो आएगा क्या आंसर? 0, यहाँ पे मैं कर रही हूँ ये वाला, नीचे की ओर दिखेगा नहीं इसलिए, तो ये 0, यहाँ पे आएगा 5 में से 5 प्लस है, तो ये 5 में से ये नहीं जाएगा और ये बड़ा हो जा रहा है, तो ये इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, जो भी नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं उन दोनों का प्लस कर दो, तो 50 प्लस 30 कर दो, तो वो आया 80। 150 में से 80 इजी हो जाएगा आप लोगों को माइनस करने में, तो 150 माइनस 80, तो आंसर आएगा 70। क्लियर हो चुका होगा आपको? तो अभी हम लोग यहाँ तक रखेंगे, नेक्स्ट टाइम आगे के सम्स देखेंगे।